मेजबान चोरी नमाज पढ़ा एक दफा फिर खुश आमदीद आखना असा अज मौजूद हाँ जी रवात शहर और कोशिश करने मुख्तसर टाइम इसी तारीख जी तक पहुंचाई है। तकरीबन पिंडी तो 3 किलोमीटर ना सफर है और लगभग रश अगर होया तो घंटा लग जाना और इस शहर तारीखी जगह कोशिश कर कम टाइम उन्होंने मालूमात भी जी तक पहुंचाई है। आओ तुसांगी शहर ना विजिट कराइए जी। शाही किले ने बाहर दरवाजे ते मौजूद हाँ और इस ना मुख्तसर तारफ जड़े नसा ने पाई गयूर अब्बास साहब करासन और इतनी नहीं जड़ी असा नहीं शख्सियत है जड़े मेजबान नसा ने और जी बाबा महमूद अख्तर साहब जड़े के किसी तारफ ने मोहताज नहीं है। बावे राणे ब्यादमो मनूना जी ने अपना कीमती टाइम दिता तो इस ना तारफ जड़े और कराने जी पाई गयूर जबान किला सरबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। रबात के लगवी में नहीं करवां सराय के हैं। मौजूदा किला दर हकीकत एक कदीम करवां सराय थी जिसको जनरली रोड के साथ मुसाफरों की सहूलत या सरकारी अलकारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी। इसका फन तमीर इस बात की गमाजी करता है कि यह किला नमा सराय 15वीं सदी के अवाइल में सलातीन दिल्ली के जमाने में तामीर हुई लेकिन इस किले को सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसऊद के साथ भी मंसूब किया जाता है। इसका जमाना 1039 का है और कहा जाता है कि इसके लश्कर के बागी सिपाहियों ने इस किले में इसको गिरफ्तार किया और बाद में टेक्सला के नज़दीक गढ़ी के इलाके में जाकर कत्ल कर दिया। ये इलाका बाद में गखड़ कबीले के सरदार सारंग खान के कब्जे में आया जो कि अपने 16 बेटों के साथ शेरशाह सूरी के हाथों कत्ल हुआ इस किले में और वो इसी किले में दफन किया गया। किले में दाखिले के 2 दरवाजे हैं। सदर दरवाजे का रुख मशरक़ की जानब है जो कि अकबी दरवाज़ा शमाल की तरफ खुलता है। फसील के अंदर चारों तरफ हुजरे बने हुए हैं। फसील के अंदर दीगर तारीखी इमारतों में एक हश्त पहलू मकबरा और एक मस्जिद और चंद कब्रें भी मौजूद हैं। रवात किले च मौजूद हाँ। तारीखी इमारतों का अगर जिक्र करिए सब तो कदीमी पुरानी इमारत यही है। कोशिश करने मुख्तसर टाइम इस हिस्ट्री जी तक पहुँचाने असा नाल असा ने भाई मोहम्मद सगीर साहब मौजूद न इन्हों को जितनी भी मालूमात है किले ने मतलब वो तुसा तक पहुँचाने पुछने कदों ने किला आबाद है किस आबाद किया और इसनी मुख्तलिफ अदवार मेंटेनेंस हुई मस्जिद भी इसने अंदर मौजूद है सारी तारीख इसने हवाले न गलबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सगीर भाई सब तो पहले तुसाने मशहूर हाँ कि तुसा अपना कीमती टाइम दिता और इस किले की हिस्ट्री दसो भाई कितना पुराना किला। किला है तकरीबन भाई जान 950 साल पुराना है। मतलब 910 सदियां पुराना। जी 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 ठीक है। महमूद गजनवी ने बेटे मसऊद बनाया था 1038 बाद अजां के हिस्ट्री दसनी पी के मसऊद की तू ततारियां गिरफ्तार करी टक्सला इलाका गढ़ी उत्थे कतल किया था। फिर सुल्तान सारंग गखड़ साहब 300-400 साल बाद आए थे समझ लीए कि नहीं। फिर इन्होंने जंग हुई शेख शाह सूरी नाल
हाँ वो भी मुसलमान से कोई पता नहीं के क्या एक हिस्ट्री जैसे जैसा दसनी पी ना वो कहनी के जंग हो इसी ना पर रादारी तो रादारी मंगने से सारंग ने तीन भाई से तीन ही किले से एक किला रवात है एक किला बरवाला है तीसरा एक कश्मीरी है और तीना तीना भाइयों ने मारिया किला वह सराय है सराय है ठहरने जगह हाँ जी 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 हाँ जी जी एक सारंग साहब नहीं है ने सामने उन्होंने अगे ही उन्होंने 16 बेटियां नहीं है और सामने बैग मकबरा बनता उन्होंने 3 बीबियां नहीं कबरा जी 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 पिछे बिल्डिंग है बैग से नजर आ रही है जी जी ये सर असूली ते इस अंदर मकबरे ने वैसे कहने 12 धरी है लेकिन हिस्ट्री के मुताबिक जरा ना इतने तकरीबन 6 कबर निकलियाँ अच्छा। और थले नीचे तहखाना भी से जी हाँ जी पुरानी जी कुछ मिली उस महकमे जी 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 मस्जिद बिल्डिंग है जी के तारीख जी जी ये तारीखी मस्जिद है किले नाल उस टाइम नहीं उस टाइम नहीं है इस मस्जिद ने गुम्मत जड़े नहीं से नहीं शहीद हुए थे अच्छा ये तकरीबन 1965-66 सैयद सईद अहमद शाह साहब आए से थे अच्छा। उन्होंने मेहनत कोशिशों जरा ने मस्जिद जरा ने गुम्मत तमीर की थे समझ ली है सब को पहले जरा ना सैयद सईद अहमद शाह साहब जरा ना इमामत कराने से जुमा कराने से उन्होंने को बाद इस मस्जिद ना है कारी हफीज साहब से अच्छा। तकरीबन उन्होंने 54 साल हो गए तो इमामत कराने और बच्चों की कुरान पाक भी पढ़ाया समझ ली है कि नहीं और जी जी हूँ इस टाइम उन्होंने हाँ बिल्कुल बाईपास भी होया फिर भी इमामत कराने हो जुम्मा भी पढ़ाने और तुसा मस्जिद ने वाले ने दस रहे थे इसकी जो तामीर हुई और मेंटेनेंस हुई ये लोग का अपनी मदद आप ने जी 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 इतने ने इंतजामिया ये तो अल्लाह गर्मा जगह दा मिस्त्री मेहरबान साहब ना सने 1995 च अंदर बाहर जो ना खुद प्लास्टर किया 5 साल ने अंदर एक दफा पहले आए आज दूसरी दफा आए अच्छा। क्योंकि मकामी हो तुसा की ज्यादा मालूम और कोई गल जी इलम ना हो वैसे किला जरा रोहतास है उसकी बिल्डिंग बहुत मतलब बिगड़ी हुई शक्ल हाँ जी मतलब अरबी लफ्ज़ जी जी रबात उतों रबात बने रबात ए मतलब रबात से रबात बने और शहर भी शहर तू पहले आबाद जी जी आबाद मां तकरीबन ने जिस हिसाब ना असा जाने ना कि इस्लाम बाद नहीं सब को उच्ची जगह है ये किला हाँ जी 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 नहीं हाइट है बहुत हाइट सही और कोई इस वाले ना कोई कुछ नहीं जो है नहीं कोई जड़ी हिस्ट्री है दसी है जी मस्जिद होगी ये बिल्डिंग है इसके अलावा और कुछ कब्रें हैं सुल्तान सारंग की कब्र है उन्होंने बेटियां नहीं है उन्होंने बीवियां नहीं है बस यही जी 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 नाजरीन कोशिश की असा मुख्तसर टाइम इस किले की जड़ी तारीख है वो तुसा तक पहुँचाई है कोशिश कर सा इसने मतलब और भी कोई मालूमात मिली तुसा तक शेयर कर सा जी। इत्थे पट्टी रिफ्रेशमेंट सेंटर जड़ा वो बड़ा मशहूर है इस दुकान ने जड़े आनर ना उन्होंने तुसा नी गलबात कराने आओ जी अस्सलाम वालेकुम जी पट्टी साहब ये दसो कि कितना अरसा हो गया तुसा की ये दुकान बनाया सर पहले छोटी जी दुकान होनी सी खोलिया नहीं अज सिंगल रोड होना सा घोड़े साढ़े से बड़े मशहूर है कितना टाइम हो गया
काफी अच्छा हो गया, 40 साल हो गए। मतलब के स्टार्टिंग ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਇਤਨੇ ਮਚਾਉ ਸੇ ਸਾੜੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ कोई खास रेसिपी पाने हो जे बाकी भी दुकान है नो ना तो इतना रश नहीं मैं क्या ऐसी है वैसे जड़ा एक नंबर इस्तेमाल करने एक नंबर चीज इस्तेमाल करने हैं भाई और क्वालिटी नहीं वजह बहुत मेहरबानी तुसा अपना कीमती टाइम देता और बस आज असानी डॉक्यूमेंट्री जड़ी रवात ने वाले ना सी इसने च असा आख्या भाई जड़ी रवात नहीं एक किस्म की सौगात ही है पकौड़े हो गए और ये चीजा जड़े आन असा उन्होंने भी यही आने जी जड़े आन रवात वो लाजमी है जड़ा इन्होंने रिफ्रेशमेंट सेंटर ते आन पकौड़े इन्होंने समोसे फ्रूट चाट टेस्ट कर जी।